काटने से आदिवासी युवक घायल हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में इन दिनों सर्प डंस के अनेकों मामले सामने आए हैं। वहीं कोतवाली क्षेत्र निवासी अशोक सिंह नामक युवक को सर्प ने डस लिया, जहां 108 नंबर एम्बुलेंस की सहायता से घायल अवस्था अशोक सिंह को जिला अस्पताल लाया गया एवं ड्यूटी डॉक्टर दीपाक्ष सिंह के द्वारा घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं सर्प डंस के कारण घायल युवक के परिजनों ने बताया कि उनका लड़का घर में काम कर रहा था, उसी दौरान सर्प ने उसे डस लिया, जहां घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया एवं उसका उपचार डॉक्टर द्वारा जारी है। गौरतलब है कि इस मौसम में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जमीन से बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसमें सर्प प्रजाति बहुत जहरीली होती है एवं सर्प डंस से जिले में विगत दिनों अनेकों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में सर्प निकलने की सूचना पर फॉरेस्ट विभाग कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिक मुन्ना सपेरा की मदद से सांपों को पकड़कर उन्हें घने जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है एवं फॉरेस्ट अधिकारियों द्वारा जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सांप निकलने पर सांप को नुकसान ना पहुंचाए एवं फॉरेस्ट विभाग के संबंधित नंबर पर सूचित करें। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट। अभी जिला चिकित्सालय में अशोक सिंह को किसी अननोन इंसेक्ट बाइट के काटने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए उसने बताया कि मुझे किसी भी जीव जंतु इंसेक्ट ने काटा हुआ है, जैसे कि उसने देखा नहीं है कि सांप का कीट क्या था और उसके उपचार के लिए हमने उसे भर्ती करा के रखा हुआ है अंडर ऑब्जर्वेशन के। हमारे लड़का का सांप काट गई थी तो हम लेके आनंद से रटोला, हमारे लड़का को सर्प काट दिया है तो उमरिया अस्पताल में लाए हैं तो डॉक्टर लोग जाँच कर रहे हैं। जो भाई उमरिया जिला जो बहुताए हुए है जंगल के क्षेत्र में और नेशनल पार्क है और जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ खेतों में घरों में जो विषैले सर्प हैं वो निकलते हैं और आए दिन जो लोग हैं अंधेरे के कारण या अज्ञानता के कारण या ध्यान नहीं देने के कारण लापरवाही का सर्प उनको डस लेता है, निश्चित रूप से मौत की स्थिति लोग पहुंच जाते हैं। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश में ट्रामा यूनिट बनाई गई है, जिसमें कि सर्प आग और जैसे कि आपदा की स्थिति में होती है उनका इलाज किया जाता है। उमरिया ज़िले में भी स्नेक बाइट इंजेक्शन यहाँ अवेलेबल है, मगर यहाँ से पहुँचने के कारण क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इसका ब्लड में सर्प का जहर फैलता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है और गला चोक होता है और आदमी ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो पता चला है कि जो करकेले में काटा है सर्प से वो जो व्यक्ति बचा हुआ है, हम अस्पताल प्रशासन से अपेक्षा करते हैं उसके जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो प्रदान कराए, उसके जीवन की सुरक्षा दी। अब देखिए जैसे पानी गिरता है ना, तो अभी बिलों में पानी घुसता है और सांप बाहर निकलते हैं, ये ऐसा समय होता है जब थोड़ा सा लोग इसके बारे में सावधान रहे। तो अभी लगातार जो बारिश हुई उस बारिश के कारण ही सांप जो है इधर उधर निकले और उन्होंने एक नागरिक को चपेट में लिया है, पर अच्छी बात है कि उसको टाइमली चिकित्सा सुविधा मिल गई और वो खतरे से बाहर है। ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पॉट बनाया है जो सांपों को पकड़ करके फिर से जंगली एरिया में छोड़ देता है, तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नागरिक एरिया में रिहायशी इलाकों में सांप है तो उस नंबर पर अगर सूचना देंगे तो फॉरेस्ट की टीम पहुँच करके उसको पकड़ करके सुरक्षित फॉरेस्ट में फिर से डाल देगी।